बिहार प्रदेश वैश्य महासभा की एक अत्यावश्यक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हमारे प्रदेश की महिला सभा का पुनर्गठन किया गया है और प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती कांति केसरी जी को बनाया गया है। कांति केसरी जी हमारे संगठन से काफ़ी दिनों से जुड़ी थी और धरती पर काम कर रही थी। इनके मेहनत को देखते हुए इनके और इनकी पूरी टीम को पदाधिकारी बनाया गया है, जिसकी घोषणा हम लोग करेंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे बिहार में राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो बिहार प्रदेश में वैश्य समाज के लोगों को जो टिकट दिया गया है, उस पर काफ़ी मनन चिंतन आज किया गया आज की बैठक में। और पूरे जो राजनीतिक दल हैं, बिहार में वैश्य समाज की आबादी 23% है और उसके हिसाब से जितना सीट हमें लोकसभा में दिया जाना चाहिए था सभी राजनीतिक दल के द्वारा, उस के तहत उतनी भागीदारी नहीं मिली है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें 2 सीट दिया है, शिवहर से और बेतिया से। श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी को बेतिया से, श्रीमती रमा देवी को शिवहर से, जो वैश्य समाज से आती हैं। और जदयू ने तेली समाज के सुनील कुमार पिंटू जी को टिकट दिया है, जो सीतामढ़ी से लड़ेंगे एनडीए के तरफ से। हमारे वैश्य समाज को सबसे ज़्यादा ठगने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल ने, एक भी टिकट नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक भी टिकट बिहार में लोकसभा में हमारे वैश्य समाज को टिकट नहीं दिया। और तो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे वैश्य समाज को ठगने का काम किया है। पूरा वैश्य समाज इससे आहत है और ऐसी परिस्थिति में पूरा वैश्य समाज जो भी टिकट मिला है हमें एनडीए की तरफ से, पूरे जो भी एनडीए के उम्मीदवार हैं बिहार के प्रत्येक लोकसभा सीट पर, हम लोग एनडीए समर्थित उम्मीदवारों का मदद करेंगे, उनके लिए वोट करेंगे। हमारा पूरा वैश्य समाज 23% एकजुट होकर पूरे वैश्य बिहार के 40 लोकसभा सीट में एनडीए के लिए मतदान करेगा और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को हराने का काम करेगा, क्योंकि इन लोगों ने वैश्य समाज को उपेक्षित किया है। पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर भी आज एनडीए ने पूरे हिंदुस्तान में वैश्य समाज को लगभग 63 टिकट दिया है, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है, इतना ज़्यादा टिकट वैश्य समाज को किसी ने नहीं दिया है। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला लिया है कि वैश्य समाज के सारे लोग एकजुट होकर आगामी लोकसभा में जितने भी चरण में चुनाव होंगे, वो अपना अधिक से अधिक मतदान जाके बूथ पे करेंगे, अपने अधिक से अधिक वोट पोल करेंगे और एनडीए के कैंडिडेट के समर्थन में मतदान करेंगे। आज जो खास करके हमारे वैश्य समाज में तेली समाज है, चौरसिया समाज है, तेली समाज के लिए नीतीश कुमार मसीहा का काम बनने का काम किया है। तेली समाज और चौरसिया समाज को नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा में शामिल किया, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने एनडीए से सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को टिकट देने का काम किया है। आज हमारा वैश्य समाज और वैश्य महासभा नीतीश कुमार जी को और सुशील मोदी जी को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देती है कि उन्होंने तेली समाज और चौरसिया समाज और वैश्य समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को ध्यान में रख के उनको अधिक से अधिक उसमें जो भागीदारी देने का काम किया है। हम ये भी उम्मीद करते हैं लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग एक भारी सम्मेलन और रैली करने वाले हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम जो हमारा राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अधिक से अधिक वैश्य समाज को टिकट दें, और जो लोग वैश्य समाज को नज़रअंदाज करने का काम कर रही हैं पार्टियां, उनके लिए हम चेतावनी देते हैं, चाहे जो भी दल है वो वैश्य समाज को नज़रअंदाज न करे। वो पहले से ज़्यादा जागृत हो चुका है, आज 23% आबादी है और उसके हिसाब से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर अपने आबादी के हिसाब से पूरे राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी मांगने का काम कर रहे हैं। और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज के लोग अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अधिक से अधिक जितने भी वैश्य समाज के लोगों को जो भी पार्टियां टिकट देगी, उसके लिए हमेशा वैश्य समाज प्रतिबद्ध और प्रतिबद्ध रहेगा। और इसी के साथ मैं डॉक्टर आनंद कुमार, अध्यक्ष बिहार प्रदेश वैश्य महासभा, संपूर्ण वैश्य समाज के लोगों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में दिल खोल कर एकजुट होकर मतदान करने का काम करेंगे। और जो राजनीतिक दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने हमें एक भी टिकट नहीं देने का काम कर हमें अपमानित करने का काम किया है, वैश्य समाज उनको इस लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। 2014 में क्या सिनेरियो था, कितना टिकट मिला था, कुछ आइडिया है? 2014 में हमें 2 टिकट मिला था, जो एक शिवहर था और बेतिया से मिला था। इस बार 1 टिकट ज़्यादा दिया गया है, वो नीतीश कुमार जी के द्वारा सीतामढ़ी सीट में मिला है। इसीलिए हम लोग 2 से 3 हुआ है, और जब 2 से 3 जब हम लोग बड़े हैं, हमारी लड़ाई और संघर्ष जारी है, तो जब 2 से 3 हुआ है तो 3 से 30 पे भी पहुँचेंगे। और आगामी जो विधानसभा चुनाव है
2020 में, इसमें भी हम अपने हिस्सेदारी के हिसाब से वोट दिलाने में ले जाइएगा कि केवल आह्वान अपील कर मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 23% आबादी है, इस बार जब वोट पोल होगा तो आप ये पूर्ण विश्वास के साथ मान के चलिए कि वह समाज 23% में कम से कम 20% मतदान करेगा और वह समाज अपने वोट के महत्व को समझ चुका है, तो जब तक वोट नहीं करेगा तब तक वो टिकट मांगने का हक नहीं रखता है। इसलिए वह समाज के लोग इस बार कम से कम 20% लोग जाके मतदान करेंगे। हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे पुराने जो मुख्य चुनाव आयुक्त डीएन शेषन, उन्होंने वह समाज के लोगों को मतदान केंद्र पहुंचाने का काम किया है। आज वह समाज का लोग भयभीत नहीं है, भयमुक्त होकर जाता है वोट देने के लिए और इस बार भयमुक्त होकर पूरे वह समाज के लोग मतदान करेंगे और एनडीए को जिताने का काम। चलिए बाबा।